फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। शेख बाबू जी जब पहले जब बोल रहा था, अपील कर रहा था पुलिस, जब काम भी पुलिस, अब वो इंतकाल होगा पूरे उड़ी पड़े जो अगेंस्ट है, पूरा आगे हमारे अहमद सादी के अगेंस्ट, जो उन्हें अब सीएम का सबका समीदार रेड्डी सबका नाम ले रहा, सब है क्या, गिरफ्तार करेंगे क्या, ये नाहक है, ये हम लोग बदनाम करने की साजिश है, ये पूरे जो मिलके मीडिया वाले पूरे क्या है, हमारे बच्चे को, हमारे शौहर को चुप नाहक बदनाम कर रहे हैं, और जो न्यूज वाले है बेचुके न्यूजा मतदारी है, हमारे लोगों को बदनाम करेंगे, आप लोगों के भी पेटों में औलाद है, अच्छा नहीं होगा फिर। जी जो शेख सईद बावजीर जो है सोशल मीडिया के आड़ पे ये जो है हम लोग को पर्सनल अटैक कर रहा था, ये जो है ज़ातियत पे बोल रहा था हमारे शौहर हमारे बच्चे के, और इन्हें इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया था हम लोग, उसके बावजूद भी हम लोग जो है पुलिस में जाके अपील कर रहे थे, हम लोग वहाँ पर बोले थे कि इन्हें जो है ऐसा हम लोगों को टॉर्चर करा मेंटली बोल के इसको इन्हें, और जो है सबके सामने ये बोला कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है सबके सामने बोल रहा था इन्हें, लेकिन जो है उस वक्त जो है पुलिस एक्शन क्यों नहीं ली, उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं फराहम करी, अगर वो लोग उस वक्त कुछ एक्शन लेते तो आज उसका एक साथ भी ऐसा कुछ नहीं होता और हम लोग भी इस परेशानी में मुब्तला नहीं होते थे आज। ये जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर करे और जो सही है जो सच है वो सामने लाए, और किसी के भी जो है पर्सनली अटैक मत करे, उनकी इमेज खराब मत करे, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, हर कोई है, स्टूडेंट्स है, हर कोई है, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, सब है, ये लोग जो है ज़ातियत पे बोले, ये सोशल वर्क की आड़ पे जो है इन्हें आप जो है हमारे बुजुर्ग जो है हमारे मरहूम है उन लोगों को गालियां दे ले रहा था, दलाल बोल रहा था, और अपने ना हमारे आदमियों को जो है नामर्द बोल रहा था, ये कौन सा सोशल वर्क है, इसे कौन सवाल करेंगे, उस वक्त उससे कोई पूछे नहीं, हर किसी को मालूम, मीडिया पे हर जगह उसके जो है पोस्ट है, हर कोई है, हर कोई इसे वाकिफ है, ये जो है टोटल पूरी सियासी कॉन्स्पिरेसी है, टोटल सियासी कॉन्स्पिरेसी है, हमारे को जो है फंसाया गया, हमारे आदमियों को जो है फंसाया गया, पहले मेंटली टॉर्चर किया गया, पुलिस के रुजू होने के बावजूद जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, ना उसको बुलाया गया, ना उसे उसे पूछताछ की गई, अगर उस वक्त पूछताछ की जाती, अगर उसको रोका जाता और अगर उसकी इस बात पे अमल किया जाता कि उसके जो बोल रहा था उन्हें, अगर उसके लिए कुछ सिक्योरिटी फराहम की जाती तो शायद उसके साथ भी ये नहीं होता और हम लोग भी आज ये मुसीबत में मुब्तला नहीं होते। कौन है इसका जिम्मेदार, कहीं ना कहीं पुलिस से जो है यहाँ लापरवाही हुई है, नेग्लिजेंस हुई इन लोगों से, ये वजह से जो है ये कांड कर दिए, ये जो है सियासत के मामले में कुछ लोग है जो उसको वरगलाए, उसे ये सब बुलवाए, उसके बाद जो है इनका नाम उछाल के इनको आगे करके बाद में जो है किस भी हाल लामला अगर इसके साथ पूछो तो इन्हों फंसेंगे, इस वजह से सर ये काम कर दिए, ये सबको मालूम है, ये पुलिस भी जानती है ये बात, सुनिए ये बात जो है इन्वेस्टिगेशन साफ साफ तौर पे इन्वेस्टिगेशन होना, जो करे उनको पकड़ो, हमारे को उसे वो नहीं है, हमको एतराज़ नहीं, अगर हमारे आदमी भी शामिल है तो हम बोलते हैं हाँ इन्वेस्टिगेशन करिए, हम जितना चाहे पुलिस को कोऑपरेट करेंगे, जैसा चाहे इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं आप करिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते जो है आप लोग अकेले मत आइए, 15-15, 20-20 आदमी रात को लाठियां लेकर दीवार कूद के आ जा रहे हैं, बच्चे घबरा जा रहे हैं, औरतें जो है प्रेग्नेंट घबरा जा रहे हैं हमारे पास, अगर खुदा न खासा कुछ हादसा हो गया किसी के साथ तो कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, आप लेडीज पुलिस लेकर आइए, हम खुद कोऑपरेट करते हैं, और हमारी चीफ अपने कमिश्नर साहब से DCP साहब से अपील है साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन करिए, सही से करिए, पूरी जो भी मालूमात है फराहम करिए, और मीडिया वालों से भी अपील है जो सच है वो बताइए, जो हर आदमी में कुछ खूबी और खराबी होती, सुने जो है आप जो है जो काम करा रहे हैं ये नहीं करा रहे हैं वो करा रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये सोशल वर्क की आड़ में जो है पर्सनली जो है हमारे लोगों को जो है अटैक कर रहा था, उनकी इमेज खराब कर रहा था, सुने आप सबको मालूम है ये बात, जो है जो सच है वो सामने लाइए, आप लोग वो जाती खसूमत निकाल रहे थे इसमें, जो है जो लोग है अपना सियासत में अपना दबदबा बनाना चाह रहे थे या आगे बढ़ना चाह रहे थे या और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो भी हम लोग खानदान कबीले वाले लोग हैं, लोग जो है हमारे घर को जो भी मिलने आ रहे हैं वो लोग को बाहर से जो है नज़र रख रहे हैं पुलिस वाले, नज़र रखिए वो लोग के घरों पे जा रहे हैं, वो लोग कन पूछताछ कर रहे हैं, वो लोग कन रेड मार रहे हैं, अब क्या कोई हमारे घर को भी नहीं आना कोई पूछने के लिए, वो लोग को भी परेशान कर रहे हैं, सिर्फ हमारे जो देवर है जेठ है सब इन लोगों के घरों पे जा रहे हैं, उन लोगों को पूछ रहे हैं, इन लोगों के बच्चों को पूछ रहे हैं, उठा लेके लेके जाते बोल रहे हैं, ये तरीका नहीं है, ये आप लोग सीधे से आइए, हम पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे आपको, बस आप जैसा इन्वेस्टिगेशन करना है वो सही तरीके से करिए, और अल्लाह ताला पूरा कोऑपरेट करेंगे हम लोग, और हमारे जो आदमी लोग हैं वो हमको नहीं मानू वो लोग कहाँ हैं, और हमको इतना यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बेकसूर है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे आदमी को हमारी औलाद को बेकसूर साबित करेंगे, और हमको यकीन है इस बात का, अल्लाह पे हम तवक्कल करते, बस अल्लाह हमारे साथ है, बस आप लोगों से अपील है आप लोग जो है पीसफुल आइए और सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करिए, आधी रात को मत आइए हमारे पास। जो परसों मर्डर हुआ शेख सईद बावजीर का, उसके केस में हमारे घर में रात बेरात आ जा रही,
और बिल्कुल गोशा पर्दा नहीं करें, गेट कोर्ट के आगे चेयरमैन जो अब्दुल्ला साथी है, मैं उनकी अम्मी बात कर रही हूँ, और जैसे मैं इतना सियासी दबाव दे रहे हैं हमारे पे, पूछो मत, हमारे हस्बैंड का नाम ले रहे हैं अहमद साथी इंचार्ज, और बच्चा चेयरमैन का नाम लेके चुप खा मखा बदनाम कर रहे हैं, और रात बेरात हमारे पूरे घर पे सर्च वारंट बोल के कूद जा रहे हैं अंदर, हमारे पास लेडीज पूरे डिलीवरी हुई से उनको ढकल दिए, और ये जो है परसों जो मर्डर हुआ उनकी बहन है उनकी तरफ से, सुनिए आप बोलिए, तो ये पुलिस ही कर रही है, पुलिस जबरदस्ती सियासी दबाव में आके सब हमारे को वो कर रहे हैं टॉर्चर। अब इसका क्या है, ये हमारे बहुत रात दिन का हो गया, बहुत मिजाज खराब हमारे जो है नंदोई जाफर साथ, इनको 8 दिन से पकड़ के रखे हुए, शुगर के पेशेंट है, 60 एज ईयर है इनकी एज, हाँ पकड़ के लेके चले गए, खाली बात कर रहे हैं, मतलब लेकर आ रहे हैं भाई, 4 दिन 6 दिन हो गया, अभी तो पता ही नहीं है बच्चे का, पता लगाना पड़ा हमारे कहाँ है क्या नहीं, ऐसा ऐसा शरीफ लोगों का जैसा मतलब ऐसा कहे तो कैसा रहेंगे इंसान, तो कौन क्या बोला क्या है हमको मालूम ही नहीं है, और बच्चे हमारे दूसरे भागे तो बोलेंगे हमारे को बोलेंगे मुस्लिम आए तो भागे कहते, अरे बच्चों को बहुत हिसाब से भाग रहे हैं बच्चे, ब्याह के 3-3 दिन 8-8 दिन रख ले रहे ना, तो हमारे लोगों कैसा कहीं क्यों रहेंगे हम पुलिस में जबरदस्ती है, हाँ एक आदमी क्या बोल दिया कि मैं पागल का नहीं मालूम क्या था नहीं मालूम, हमें इशू कर दिया हमारे आदमियों को, तो उसकी बात मान लेते कोई भी, तुम्हें तो कैसे हालत में बोरा क्या है उसका ज़्यादा कैसे हाथ बोरा, तो खड़े के जो बच्चा मराज वाला बोरा उसकी हालत देखो क्या हालत इतने बोरा होने, मुझे ऐसा दिख रहा मेरे को, तुम्हें तो दिमाग का तवाजन खराब दिख रहा मेरे को, सही उसको जो बोले बोल रहा होम मिनिस्टर के पास चले आ रहा वहाँ चले आ रहा, होम मिनिस्टर को बुरा बात करो और गोल्डन जवाइसी के ऊपर कहते फतरे मार देंगे कहते, अरे ये तो तरीका है इंसान को बहुत यानी मेहनत से बनना पड़ता है, जो अपने अकबर जो बने उन्होंने बने इतनी मेहनत करे लोग तब ये मुकाम पे आए, वहाँ वो लोग खतरे मार दे रहे हैं उनको रोबरा बोल दे रहे हैं, एक आदमी खाली एक आदमी क्या आदमी का हैसियत क्या है उसको, तो मिनिस्टर है उन्हें कहेंगे क्या रुतबा है उसका, जो वो बच्चे की तरफ से था पूरे पब्लिक के जरा हमें बात वाले इशू बना रहे थे, हाँ कुछ कुछ मीडिया ऐसा दिख रहा है मेरे को कुछ पॉलिसी दिख रही है हमारे भाई के खिलाफ जो बोल रहे हैं, तो ये कि हमारे भाई का सत्ता उलटना उसी कुर्सी छिने जाना, MPP पार्टी MIM पार्टी जो है दलित होना भाई काम करेंगे समझे, और कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को, हम आज तक किसी के सामने नहीं आए, आज हमारे मर्दों में बात आ गई, हमारे मेरे आदमी जाफर शादी पूछो बालकस में क्या है उसकी हैसियत, बेचारा बच्चों को पोतरा पोतरी लेके फिरने वाला उसको बन दिया, उन्हें बगैर शक्कर के बगैर उसको दवा खिला के मैं रख सकती हूँ, उसको प्रेशर उसको ब्लड प्रेशर शक्कर का मरीज, तुमने बेचारे खाना खाते बड़ा चल चले तुम्हारे बेटे का नाम आगा चल चले तुम्हारे भाई का नाम आगा, अरे बाबा मैं बोली ना वो जो बच्चा था जो मारा वाला एकदम पूछो उसकी भाई नहीं बैठे क्या बैठे जब उन्हें पुलिस से अपील कर रहा था जब आप लोग कहाँ थे, जब उन्हें हर किसी का नाम ले रहा था, हर सीएम का सचिन अवेशी का अकबर अवेशी का सबका नाम ले रहा, उन्हें मोदी का नाम लिया तो क्या मोदी भी होगा, शुरुआत देखिए आप लोग सोचिए, मटर से पहले आप लोगों को कुछ करना था, अब उसके बाद आप लोग पूरी पुलिस मीडिया सब आ गई, ये तो दिख रहा ना नाहक हमारे खिलाफ साजिश साजिश हुई है ना, नाम वो हो रहा खराब हो रहा, हमारे पूरा हस्बैंड का नाम हमारे बच्चे का नाम जमानत जमाए गए तो पूरा बदनाम कर दे हमारे को, क्या आप जानते हैं कि आपके अभी अजमिया नहीं बोले थे हम लोग, तो उन्होंने निकले हुए थे 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले आए उस दिन शाम में 8 बजे निकले थे, अभी चुप आके हमारे घरों में कूदेंगे करेंगे नाहा इल्जाम डाल दिया नाना पे, इज्जत है ना, तो अभी क्या चाह रहे हैं, अब ये है हमारे को अपील जो न्यूज जो आप लोग गलत जा रहे हैं वो ना मत डालिए, इंचार्ज के खिलाफ पुलिस से रिक्वेस्ट है, चेयरमैन जलपली अब्दुल्ला सादी के खिलाफ भी मत डालिए, उन्होंने कैसे आप जाके पूछ सकते हैं, ये जो गलत न्यूज आ रहे हैं अल्लाह के लिए मत डालिए, मेंटल के कहने पे हमारे इतने नामकारी आदमियों को पूरे बदनाम कर दे रहे हैं आप लोग, सुनिए ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरे न्यूज वालों से, जो गलत न्यूज आ रहे हैं बिल्कुल मत डालिए, चेयरमैन जो है अहमद सादी क्या है आप जाके पूछ सकते कैसे है क्या नहीं, सो आप लोगों से पूरे से रिक्वेस्ट करी हम लोग को बदनाम मत कीजिए, जाति हमारे जो घर के फंक्शन हुआ वो भी डाल दे रहे हैं फोटो, क्या मसाइल है ये, जाति हमारे सियासत की बात है हमारे को, नहीं भाई एक आदमी क्या क्या बोल रहा है सब इशू कर दे रहे क्या है ये तरीका, आदमी कौन को दिखे समझ नहीं आ रहा, शेख बाबूजी जब पहले जब बोल रहा था अपील कर रहा था पुलिस तब कहाँ थी पुलिस, अब इंतकाल हुए बाद पूरे उड़ी पड़े जो अगेंस्ट थे पूरे आगे हमारे अहमद सादी के अगेंस्ट, जो उन्हें अब सीएम का सबका समीता रेड्डी सबका नामा ले रहा सब है क्या गिरफ्तार करेंगे क्या, ये नाहक है ये हम लोग बदनाम करने की साजिश है, ये पूरे जो मिलके मीडिया वाले पूरे उठ के आए हुए हैं हमारे बच्चे को हमारे शोहर को चुप नाहक बदनाम कर रहे हैं, और जो न्यूज वाले है बेचुके न्यूज मत डालिए, हमारे लोगों को बदनाम करेंगे, आप लोगों के भी पेटों में औलाद है अच्छा नहीं होगा फिर, और मेरे भाई का खुद भी मेडिकल करा सकते हैं आप लोग, उसका दिमाग सही नहीं है उसका मेंटल है, उन्हें ये बात सबको मालूम भी है,
और उसका मेडिकल कराइए आप लोग, मालूम हो जाता। और इसे क्या हो रहा, ये लिंक कर दे रहे हमारी बदनामी होना, बल्कि मेरे ससुराल वालों की बदनामी कर दे रहे। और है सो आके बदतमीजी जो कर रहे पुलिस वाले, ये बहुत खराब बदतमीजी कर रहे हमारे से, ना लेडीज का ख्याल कर रहे, ना बच्चों का लिहाज रख रहे, हमारा बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हमारे को। अहमद सादी साहब है, उनको भी बहुत ज्यादा नाम बदनाम कर रही है। उस वक्त वो लगा क्या थे हमारे को नहीं मालूम, हमारे घरों में थे हम लोग, यानी कि ईशा के बाद हमारे मर्दुए जो है हमारे खुद के घरों में रहते, हमारे पास तरीका है ईशा नमाज पढ़ लेते, हम हमारे घरों में रहते, हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है। फुटेज खुद निकाल के लेके चले गए, बदतमीजियां करे, जो सामान था फेंक दिए, और है सो अलग अलग तरीके से पूछ रहे हमारे से, लेडीज से कैसी बात करना भी नहीं मालूम है उनको। और है सो जो चेयरमैन साहब है हमारे देवर, उनको भी बहुत जबरदस्ती बदलाम कर रहे, अरे तुरे से पूछ रहे उन्हें कहाँ है, उन्हें कहाँ है, ये गलत है ये बिल्कुल। हमारे भाई की वजह से हमारे पूरे ससुराल वालों को भी खींच रहे, उन्होंने खुद भी तो सिलेंडर हुए हुए है, उनसे पूछताछ कर रहे, उनसे भी पूछने का तरीका होता, उनको इतना बदतमीजी से बात कर रहे उनको, यानी कि मार के करके अहमद सादी का नाम लियो, अहमद सादी का नाम लियो, बड़े बेवजह बोल रहे उनका नाम लियो, बल्कि क्या रिश्तेदारी हमारी है, रिश्तेदारी से क्या है जी। नाम कौन दे रहे हैं? पुलिस वाले खुद जो मार रहे हैं उसको कहते हैं, उसको मार के बोल रहे, कहते तुम इनका नाम लियो, चेयरमैन का नाम लियो, चेयरमैन का नाम लियो, हाँ। चेयरमैन को इंचार्ज चुप, इंचार्ज मीडिया पे बदनाम नहीं कर रहा आइंदा, चुप ना बदनाम कर रहे उनको चेयरमैन। देखो आप जाके पूछो जलपल्ली पे, अहमद सादी जो है पूछो उनको, शाही नगर क्या करे जलपल्ली में, बच्चा रात बेरात पानी पड़ा तो निकल जाता, वो तो नहीं डाले खाली एक डाल के पूरा हमारे को बदनाम कर दिया मीडिया पे। बदनाम सादी ग्रुप पैसा आप पूछ सकते हर जगह जाके, अहमद सादी क्या है, चेयरमैन क्या है, क्या उम्र में है वो बच्चा, वो देखो, मगर मीडिया जब फोन है आधी रात सुनो पानी के लिए निकल जाता बच्चा, पानी पड़ते रहे तो उनको चुप बदनाम कर दे रहे, केस डाल दे रहे, क्या है ना है ना हक है ये। ये रिक्वेस्ट है मीडिया पे, ये शादियों को हमारे बच्चे के वास्ते इंचार्ज के वास्ते कुछ नाहक डालेंगे कोई भी मीडिया वाले ग्रुप वाले न्यूज वाले, अच्छा नहीं होगा उनको, जो है इंसाफ किया जो डालो, सब जाति मामले सब हमारे शेयर कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं हमारा, तमाशा बना दी हमारा बच्चा क्या एज का है वो, जो जलपली जाके देखो आप, उनके आसपास से पूछ सकते हैं आप क्या करा बच्चा जलपली के वास्ते। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, 8142877400।